भूपेंद्र यादव का अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के नेतृत्व में स्वागत व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का बड़ी माला व चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजनाओं को बिगाड़ने का कार्य किया है, अब जनता केंद्र में भाजपा की सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। वहीं स्वागत कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, मेजर कविता ओपी यादव, डॉक्टर अंजलि यादव, कर्ण सिंह चौधरी के नेतृत्व में कई सरपंच, पूर्व सरपंच, जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों को भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने बीजेपी का दुपट्टा पहनाकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बहरोड विधायक जसवंत यादव, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, भाजपा नेता इंद्र यादव, जिला महामंत्री महासिंह चौधरी, मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया, एडवोकेट अरुण पंडित, प्रेम छिल्लर, सुरेश यादव, सोनू भारद्वाज, सत्यवीर चौधरी, विशेषर चौधरी, धीरज सैन सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे। जय भारत माता की जय। आज इस स्वागत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय विधायक सम्मानित जसवंत यादव जी, बांसुर के हमारे विधायक भाई देवी सिंह जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने दल बल के साथ ज्वाइन किया है, अलवर के हमारे जिला प्रमुख किसान नेता भाई बलवीर छिल्लर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मान्य रामेश जी, पार्टी के हमारे लोकसभा के संयोजक संजय नरुका जी, जिला अध्यक्ष उमेद भाया जी और इस मुडावर क्षेत्र की हमारी वरिष्ठ नेता हमारी बहन कविता जी, अंजलि जी, हमारे समाज सेवी यहाँ पर और जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी जी, मंच पे जिनका नाम नहीं ले पाया ऐसे सभी सम्मान्य महानुभवगण और मेरे सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपको बहुत विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ मुझे भेजा है, मैं पूरी ताकत के साथ अलवर की जनता की सेवा करने में अपना समय लगाऊंगा। मैं राजनीति कोई छोटी बात के लिए नहीं करना चाहता, मैं राजनीति किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि राजनीति सेवा करने की सबसे बड़ी जगह है। अलवर में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिस अलवर के साथ मेरा 40 साल पुराना नाता था, सांसद के रूप में, राज्यसभा सांसद के रूप में मैं अलवर के गांव में आकर के विकास कार्य में हमारे साथियों के साथ हाथ बटाता था, आज मुझे इस बात की भी सुखद अनुभूति है कि उस अलवर से मुझे आत्मीयता और प्रेम इस बात का संकेत दे रहा है कि मेरी सेवा भूमि अलवर ही है और अलवर ही रहने वाला है। मैं मानता हूं राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा चार बड़े कदम उठाए गए। सबसे पहला कदम पानी की आवश्यकता को पूरा करने का है और पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है उसके पानी से हम अलवर की धरती को सिंचित करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। समय से पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी गारंटी की सरकार है, यहाँ चीजें लटकती और भटकती नहीं है, समय से पहले पूरा होती है और जल्दी ही समस्या को हम पूरा करने वाले हैं। क्योंकि जब 2022 में रिपोर्ट बनी तो कांग्रेस ने इस पे कुछ नहीं किया, लेकिन भजनलाल जी ने सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम इस ईस्टर्न कैनाल रीजन का जो पानी के लिए एग्रीमेंट होना था उसको करने का काम किया है और चुनाव के बाद ये योजना तेजी से दौड़ने लगी। दूसरा विषय ऊर्जा का है। राजस्थान में रिन्यूएबल सेक्टर में 1,60,000 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट और एमओयू किए गए हैं। और तीसरा, कांग्रेस सरकार के समय में
जो हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया गया है, अब एसओ जी ने उनको रखना धरना शुरू करा है। दोषियों को सजा मिलेगी और नौजवानों के लिए आगे रोजगार के ट्रांसपेरेंसी के अवसर आएंगे। और चौथा, हमने जो संकल्प पत्र किया था उस संकल्प पत्र में हमने अपनी पार्टी का नीति दस्तावेज बनाया है और 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की कैबिनेट ने वैट को कम करके जनता को राहत देने की प्रक्रिया शुरू करी है। हम अपने संकल्प पत्र को आपके घर घर तक लेके जाएंगे और यही मोदी की गारंटी है। आगे कार्यक्रम बहुत है, बात में लंबी तब भी करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं मोदी जी की गारंटी के लिए अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ अलवर में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आपका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं इसके लिए आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि आने वाले 19 अप्रैल को कमल के निशान पर बटन दबा करके अलवर में कमल का पुष्प खिलाइए और मोदी जी की सरकार के माध्यम से एक मजबूत और विकसित भारत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद।